तो जी हाँ, आज हमें मिल गई यार रस्सी और हमारे इसमें तो यार बहुत ज़्यादा। ओ मुझे बो मिला, वो देखो वो ये क्या भी है। काफ़ी काम आएगा यार हमारे। ये बो है और साथ में एरो है, लेकिन इसके लिए इतने ज़्यादा ज़ोंबीज भी तो हैं। मेरा ख्याल है हमें फटाफट से जंप करके तो ऊपर आ जाना मैं एकदम चाहिए। ऊपर नहीं आ सकता, मेरे जहन में। ओए हो मैं तो अंदर गया, ही चला गया। ओए ज़ोंबीज ने हमला कर दिया। मार दो मार दो बागो मार दो ओए उसको। बागो ओए कहाँ गया मैं। ओ ओ ओ ओ ओह नो, मैं तो गया यार, हमारा सारा सामान भी उधर ही रह गया। मैंने फिर लालच की। तो हेलो दोस्तों, वेलकम कर रहे हैं आपको दाउस ऑफ गेमर्स में। तो आज हम खेल रहे हैं द क्राफ्टर्स 13 का पार्ट 3। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। लेकिन यार अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दीजिए। तो चलिए बाहर निकल के करते हैं कुछ नया। तो आज दोस्तों बेसिकली हम अपना आज जो पिछले एपिसोड में अधूरे काम रह गए थे आज वो पूरे करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने लेना था यार घोड़ा, घोड़ा हमसे लिया नहीं गया व्हाइट ट्रंक हुआ था यार, बोझा था। पिछले एपिसोड में। जैसे दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा था तो आप लोगों को याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमारे गांव पे पड़ गई थी रेड गुंडों की, उन्होंने आके थोड़ी सी तबाही वगैरह मचाई, उसी के दौरान हमारा घोड़ा भाग गया। तो आज हमें नया घोड़ा लेना है। ये वाले घोड़े हम ले नहीं सकते क्योंकि ये फार्मर्स के हैं, तो हमें अपना नया घोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो नया घोड़ा ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ उसके लिए थोड़ा कुछ खाना खाने के लिए, ताकि उसको अपना कर सकें, ताकि उस पर बैठ सकें। फिर मेरे पास सैडल भी है, ये मैं यहाँ से पहले थोड़ा सा चारा ले लेता हूँ, फिर वहाँ से फिर चलते हैं। मेरा ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा, मैं जाके ज़रा पहले इसका वो बना रहा हूँ गंदुम। मेरे बच्चे को पता नहीं इस घर में से क्या मिलता है, बार बार आ जाता है। तो ठीक है, ढूंढते हैं आज अपना एक नया घोड़ा। ये तो खैर शीप है। वैसे हमने बनाने हैं थे थोड़े से हथियार वगैरह, तो इसलिए हम घोड़ा लेंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे हथियार। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा लोहा वगैरह। क्योंकि हमारे पास जब पिछली दफ़ा गांव में रेड पड़ी थी, गुंडों वगैरह ने हमला किया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक स्टोन की तलवार के। हमारे पास आर्मर वगैरह भी इतना कुछ खास नहीं था, ना हमारे पास शील्ड थी। तो आज हम इकट्ठा करेंगे काफ़ी ज़्यादा लोहा और कोयला, ताकि अगर कल कलां को फिर हमारे रेड पड़े गांव पे तो हम अपने गांव को थोड़ा बचा सकें अच्छे तरीके से। तो मुझे अभी तक घोड़ा कहीं नज़र नहीं आ रहा, हर जगह ब्लैक कलर की शीप्स ही हैं। मुझे तो लगता है आज हमें घोड़ा मिलने ही नहीं वाला। मुझे भी कुछ ऐसा सा ही लग रहा है, बारिश हो रही है लगता है, शायद भाग गया होगा। लेकिन यार वो वाला मिल जाता ना वाइट कलर का, वो बहुत ही अच्छा था। देखो अब कौन सा मिलता है। यहाँ पे तो यार कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहा, मैं हाँ वापस ही चलते हैं, किसी और तरफ चलते हैं। ओ ओ ये मिल है, गया मिल गया, एक घोड़ा मिल गया। इसको अभी खाना खिलाते हैं। इधर आना खाना खा ले थोड़ा सा। कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग रहा है। बारिश भी बंद हो गई। अब हम इसके ऊपर बैठ सकते हैं, और अब हम इसके ऊपर बैठ गए। और अभी सैडल कहाँ गई, ये पड़ी है, इसके ऊपर सैडल लगा देते हैं। तो जी हाँ, हम लोग इस पे बैठ गए हैं। और अब ये घोड़ा हो चुका है हमारा। ओ वाह, ये उछला। चलिए अब चलते हैं गांव की तरफ और चल के कुछ इकट्ठा करते हैं लोहा वगैरह। ओ वाह मज़ा आ रहा है इसका। मैंने हमने घर भी बना के रखा था। ओ ओ ओ हाँ वहाँ से। हाँ ये नीचे है। अरे अरे अरे, इसको तो बहुत मुश्किल हो रही होगी बेचारे को। ये हमने इसका घर भी बना के रखा था छोटा सा। हाँ ये ये इसके अंदर आ गया आपसे है। तुम्हारा है ये बात। तो चलिए
ये घोड़ा हो चुका है अब हमारा। मैं ज़रा अपना एक पिकैक्स ले लूँ ताकि मुझे पत्थर वगैरह लेने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कुछ कोयला और आयरन ढूंढने। अभी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर हमारे पास मैप शैप होता तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी होती। ओ मुझे एक केव मिल चुकी है यार। अरे हमें तो मैप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा ख्याल है इसी के अंदर चलते हैं, मेरे पास लीड नहीं है, नहीं तो मैं घोड़े को इधर ही कहीं पर रोक लेता। ओहो चलो खैर चल के पहले देखते हैं, मैं ज़रा टॉर्च ले लूँ। ओ कोयला देखा शुरू में मिल गया। इस कार में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। एक मिला है ना मेरे पास, एक कोयला हो गया। वो अंदर तो बहुत कोयला है। ये हुई ना बात, ये बहुत अच्छा हो गया यार। अब हमें मिलेगा ढेर सारा कोयला, इससे अब हम ढेर सारी टॉर्चेस बना सकेंगे और भी घरों में इस्तेमाल कर सकेंगे इन टॉर्चेस को। मैं सारा कोयला ले लेता हूँ। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कोयला बहुत रहेगा, कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो गया है अभी। बहू मुझे लग रहा है इधर कुछ हो ना शायद। मैं ज़रा पहले टॉर्च ले लूँ अपनी, कहाँ पे है? अरे हमारा घोड़ा कहाँ गया, ये भाग ना जाए। मैं ज़रा अपने घोड़े को भी पहले देख लूँ। ओह वो तो चला गया यार। नहीं नहीं वो है। नहीं जाता ये, बाहर नहीं जाता। टॉर्च कहाँ गई? ये है, ये ले लिया अब हमने अपनी वापस अपनी टॉर्च। अब क्या करना है अब यार? मुझे यहाँ पे टॉर्च लगानी है। ओह आयरन भी है यहाँ पे तो, काफ़ी ज़्यादा लोहा भी है। ओ लोहे के ऊपर टॉर्च लग गई। अब यहाँ से फटाफट से आयरन भी ले लेते हैं। अरे बाप रे अब हमें ये भी मिल चुका है, तो अब हमें बनाने होंगे अपने अच्छे अच्छे से हथियार। मुझे इसके लिए मुझे मिला कि नहीं, इसके लिए हमें चाहिए होगा स्टोन पिकैक्स। तो स्टोन पिकैक्स के लिए मैं ज़रा पहले यहाँ से थोड़े से स्टोन्स इकट्ठे कर लूँ, फिर चल के बनाते हैं एक स्टोन पिकैक्स। मेरे हर इतने बहुत रहेंगे। फटाफट से घर जाके बना के लाते हैं एक स्टोन पिकैक्स। ओ हमारा घोड़ा, घोड़ा हमारा ये है। ओ ये इधर ही फिर रहा है। मुझे लग रहा है इसके लिए मुझे एक लीड लेनी ही पड़ेगी। लीड बनाना नहीं पड़ेगी, वही बनानी पड़ेगी। अब तो हमें घर इतने घर के पास ही मिल गए, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं हल अब इस घोड़े को इधर ही रहने देते हैं ताकि ये घूम ना जाए, भाग ना जाए जब तक हमारे पास इसकी लीड नहीं आ जाती। अरे मैं सोच भी नहीं सकता है था कि इतने पास हमें सब कुछ ही मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई हमें। ये देखा फटाफट जल्दी जल्दी से लोहा मिल रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोहा है। हमारा आराम से एक शील्ड बन जाएगी, आर्मर भी मैं शायद बन जाए। थोड़ा और आगे देख लेते हैं शायद निकल आए। अब तो लगता है नहीं, पत्थर ही है। नहीं बस बस इतना ही था, हम कुछ इतने भी खास नहीं। अब इतना भी इस केव में कुछ ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन चलो अब इतना भी इस केव में कुछ ज़्यादा अच्छा कर ज़्यादा लोहा नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, गुजारे लायक काफ़ी मिल गया। हाँ काफ़ी ज़्यादा हो गया। इतना अंधेरा। ओ मैं तो फंस गया। ओ ये हम गिर गए हैं लगता है। बाहर आ गए। ओ बाहर रात हो चुकी है, नहीं दिन ही है। एक तो केव में इतना अंधेरा था यार, मैं समझा रात ही हो गई। अब चल के बनाते हैं फटाफट से अपने हथियार बनाते हैं ताकि नए आने वाले गुंडों को हम अच्छे तरीके से सबक सिखा सकें, निपट लें उनके साथ। पहले इस लोहे को हम पिघलाएंगे। जी हाँ, तो अब हम ये लोहा पिघलाने लगे हैं। अब ये लोहा पिघल रहा है, तब तक हम यार एक मेरा ख्याल है लीड बना लेते हैं। लीड बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा स्पाइडर्स के लिए कुछ स्ट्रिंग्स चाहिए होंगी।
तो अब हमें ये स्ट्रिंग्स कहाँ से मिलेंगी? स्ट्रिंग्स के लिए अंडा, अंडा मिल गया, एक और अंडा मिल गया हमें। स्ट्रिंग्स के लिए यार हमें रात तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि स्पाइडर से हमें स्ट्रिंग्स मिलेंगी, उसी से फिर हम कुछ ना कुछ कर सकेंगे। इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा कोयला मिल गया है, ये भी ले लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही अच्छा है। मुझे लगता है वापस जाके अपने हथियार देखने होंगे, बन गए हैं कि नहीं। हाँ चल के देखते हैं, क्या पता तैयार हो गए हों। कभी तो फिलहाल स्टोन में से कोयला और लोहा अलग होगा, लोहा पिघलेगा, लोहा निकलेगा, फिर ही जाके हमें कुछ मिलेगा। और रात भी होने वाली है, स्पाइडर ज़ोंबी सब आ जाएंगे बाहर, तो फिर अब हम आएंगे रात में। और हमारा फार्म भी उग चुका है। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। हमारी सब्जियां, फल सब कुछ उग चुका है। अभी हमारे पास 7 आयरन इकट्ठा हो चुका है, अब इनसे देखते हैं क्या बना सकते हैं हम। आयरन की सॉर्ट बना सकते हैं हम, हेलमेट बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए एक शील्ड। शील्ड बनाने के लिए मेरे पास लकड़ियाँ बहुत कम हैं। ओहो, शायद मैंने चेस्ट में रखी हूँ, देखते हैं। नहीं मैंने वो मेरे पास लेकिन है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं, हम दरख्त से बना लेते हैं काफ़ी ज़्यादा लकड़ी। ओह अब तो हम कैंप फायरिंग भी कर सकते हैं, वाओ। मैं पहले ये बनाऊँगा, हमारे पास कैंप फायरिंग के लिए भी काफ़ी सामान आ चुका है। और अब बनाते हैं लकड़ी। लकड़ी कहाँ से बनेगी ये? तो ठीक है, अब हम शील्ड बनाने लगे हैं। एक मेरे पास शील्ड आ गई है, मेरे ख्याल एक आयरन सॉर्ड भी बना ही लेते हैं, काम आ जाएगी, क्या ख्याल है? नहीं नहीं, चलो रहने देते हैं। ओए तू क्यों? अरे मैं तो वैसे ही कह रहा था हमें बनानी नहीं चाहिए। अबे बुड्ढे उठ, उठ चल। काफ़ी ज़्यादा बाहर ये कौन फिर रहा है? बाहर तो विच फिर रही है यार, वो देखो जादूगर फिर रहा है बाहर। इससे किसके पास में क्या क्या मिलेगा? मैं ज़रा अपनी, मुझे लगता है कि हमें उसको जाके देखना पड़ेगा, फिर हमें समझ आएगी कि उसके पास क्या क्या है। मेरे पास शील्ड आ चुकी है, मैं ज़रा एक आयरन की तलवार भी बना लूँ। ये बन गई हमारी आयरन की तलवार, अब हम सिखाते हैं उस जादूगर को सबक, और उसके पास क्या पता हमें कुछ अच्छा मिल जाए। वो फिर रहा है इतने अंधेरे में। इस पर चुप करके पीछे से ही वार कर देते हैं। ओ उसने हमें देख लिया। अभी उसकी शक्ल कैसी है? अरे उसकी आंखें ऊपर नीचे क्यों हैं? ओए ये कौन कौन मार रहा है हमें मिलके? ओ ये पीछे मारे कौन है? अरे बचा बचा बचा, भागो भागो। ओ ये कौन है? इसने हम पे जादू कर दिया, इसने हमें पॉइजन दे दिया। ओ माई गॉड, मुझे लगता है हमें पानी में जाना चाहिए। नहीं हम क्या करें, उसने तो हमें पॉइजन दे दिया। हमारी पावर कम हुई जा रही है। मैं घर के अंदर ही चला जाता हूँ, ताकि अगर सामान वगैरह बिखरे तो घर के अंदर ही बिखरे। ये अब हट गया पॉइजन, अब फटाफट से कुछ खा लेते हैं। हमारी पावर सारी ख़त्म हो गई यार, उसने हमें सारी पावर ख़त्म कर दी। मेरे से कुछ मेरी पावर वापस पूरी हो रही है। अरे बड़ा तेज निकला, मुझे था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी मुझे नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल इससे पंगा लेना चाहिए। हाँ चुप करके स्पाइडर्स ढूंढते हैं। वो है स्पाइडर, इसको पानी में ही मार देंगे। ए स्पाइडर, वो तो उड़ उड़ के ऊपर आ रहा है। मारो मारो, ये गया। और इससे हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं, हमें पानी के नीचे जाना पड़े। और हमें एक स्ट्रिंग मिला है इससे। जी हाँ, तो हमें एक मिल गया है स्ट्रिंग इससे। अब हम क्या बनाएंगे इससे? अब हम इससे बनाएंगे लीड, लेकिन मेरा ख्याल इतने काफ़ी नहीं होंगे। अभी हमें और चाहिए होंगे। वो ये कौन है? ये वही, वो गया। नहीं अरे यहाँ पे तो ज़ॉम्बी भी हैं। यहाँ पे तो सभी हैं।
मुझे लगता है हमें इसको छेड़ना नहीं चाहिए या हम पे फिर कुछ ना कुछ। ओ इसने फिर फेंक दिया यार, मैं पागल रहा, मैं फिर चला गया, मेरे में लालच आ गई। मैंने कहा पता नहीं इससे क्या मिलेगा, लालच नहीं करनी चाहिए थी मुझे यार, मेरी पावर गई सारी। बच गया। मैं फटाफट से खा लेता हूँ, कुछ पॉइजन का असर हो रहा है, ख़त्म हो चुका है, ख़त्म। अब हमारी पावर अपने आप ही वापस आएगी। मैं तब तक ज़रा देख लूँ मुझे लीड बनाने के लिए क्या क्या कुछ चाहिए होगा। ये लीड बनाने के लिए मुझे स्लाइम बॉल भी चाहिए होगा यार, स्लाइम बॉल अब मुझे कहाँ। ओ ये क्या कर रहा है, ये कौन है? ये एक ज़ॉम्बी है। वो अंदर ही आ गया। यहाँ पे तो बंदा घर में भी सेफ नहीं है। इससे हमें क्या मिला है? इससे हमें रोटन फ्लैश मिला है। चल भाई उठ, मुझे सोने दे। अड़ावा गोश्त भी हमारा लोहा हो चुका है पूरा तैयार, लोहा ले लेते हैं अपना। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए यार मुझे स्लाइम बॉल चाहिए। मैं स्लाइम बॉल कहाँ से लेके आऊँ? अभी मुझे स्लाइम बॉल कहाँ से मिलेगी? क्या पता किसी फार्मर ने स्लाइम बॉल रखी हो अपने पास। यार इस घर में नहीं अभी तक हम गए हैं ना? बाकी सब घरों को हम लूट चुके हैं, लूट मार काट दी, लेकिन इस घर की नहीं अभी तक। इस घर का तुम्हें दरवाजा ये है, ये भी तो घर खाली है, इसमें कोई आ जाए करे। वो हमें लीड मिल गई, हमें यहाँ से लीड मिल गई, हमें यहाँ से फिश भी मिल गई खाने के लिए। ओए मैम इसकी जगह केक ले लेता हूँ। ये हुई ना बात यार, फार्मर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारी ज़रूरत का सब कुछ रखा हुआ है। तो अब हम अपने घोड़े को कहीं भी लेके जा सकते हैं। यस तो जी हाँ, आज हमें मिल गई यार रस्सी और हमारे इसमें तो यार बहुत ज़्यादा। ओ मुझे बो मिला, वो देखो ये भी काफ़ी काम आएगा यार हमारे। ये बो है और साथ में एरो है, लेकिन इसके लिए इतने ज़्यादा ज़ॉम्बीज भी तो हैं। मेरा ख्याल है हमें फटाफट से जंप मार के तो ऊपर आ जाना चाहिए। मैं एकदम ऊपर नहीं आ सकता, मेरे जहन में मैं तो अंदर ही चला गया। ओए ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। मार दो कहाँ गया मैं? ओ नो मैं तो गया यार, हमारा सारा सामान भी उधर ही रह गया। मैंने फिर लालच की। तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में अपना ज़्यादा सामान ले लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले पार्ट का कीजिएगा इंतज़ार। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।